करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसका आज सातवां दिन है। रूस यूक्रेन में दूसरे दौर की बातचीत भी आज होने जा रही है। तो कीव के टीवी टावर पर भी मिसाइल अटैक किया गया है रूस के जरिए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका ने रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस अपना बंद कर दिया है। यूक्रेन को 300 करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। तो ये वर्ल्ड बैंक का ऐलान है कि यूएस डॉलर जो है यूक्रेन को दिए जाएं, 300 करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद देने को वर्ल्ड बैंक तैयार हो गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह भी बताया अपने संबोधन के अंदर। तो इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन के ग्रुप का रूस पर साइबर अटैक भी हुआ है। पावर ग्रिड और जो रेलवे है उसको निशाना बनाया गया है। रूसी विमानों का रास्ता अब अमेरिका रोकेगा और इसी के तहत अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर रहा है अमेरिका। आज आपको बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सातवां दिन है आज, और रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है। मिसाइलें दागी जा रही हैं। कीव में आम नागरिकों से बंकरों या घर के तहखानों में चले जाने को कहा गया है। तो यूक्रेन ने चेचनिया फोर्स की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने की कोशिश को नाकाम करने का भी दावा किया है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत की है, और इन सब के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई भी होगी। तो आपको यूक्रेन और रूस से जुड़े हर बड़े अपडेट से हम वाबस्ता करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि रूसी सेना ने खारकोन पर भी जो है लगभग कब्जा कर लिया है, अंदर चले गए हैं। दूसरी तरफ कीव खारकीव पर बमबारी जो है तेज की जा रही है। बेलारूस जंग के अंदर जो आपको बता दें एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब कहीं ना कहीं संकेत ये भी आ रहे हैं कि वो भी जो है यूक्रेन के अंदर सेना भेज सकता है मदद के लिए, लेकिन अभी आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। फिलहाल रूस और यूक्रेन का युद्ध का ये सातवां दिन है, और ऐसे में अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने इन्हें साफ कर दिया है कि रूसी विमानों को रास्ता नहीं देंगे, एयर स्पेस अपना बंद कर देंगे। रूसी विमानों का रास्ता रोकेगा अमेरिका। यूक्रेन के ग्रुप का रूस पर साइबर अटैक भी हुआ है। पावर ग्रिड और रेलवे को निशाना बनाया है यूक्रेन के ग्रुप ने। तो अगर रूस इतना ज्यादा हमलावर है तो यूक्रेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, वो भी बराबर हमला कर रहा है और मुकाबला कर रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन को तानाशाह बताया है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को 300 करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद देने का भी जो है इरादा कर लिया है, इसकी तैयारी की जा रही है। तो कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक करके 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है।